हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ आई एम लोगुस जोगी। आई हैव कम्प्लीटेड एमएससी इन एग्रीकल्चर सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइजेशन सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम HNBGS सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्रीनगर उत्तराखंड इन 2020। आई हैव गॉट 52 रैंक इन PhD प्रोग्राम सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICR ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन 2021। Today I am going to tell about the topic seed production of oil crops rap and mustard. The principal oil yielding rap and mustard species cultivated in India are yellow sarsan, brassica campestris var yellow sarsan, brown sarsan, brassica campestris var brown sarsan, टोरिया ब्रेसिका कंपेटिस वार टोरिया, राई ब्रेसिका जुन्सिया, बनारसी राई ब्रेसिका नाइग्रा एंड पहाड़ी राई ब्रेसिका जुन्सिया वार रोगुसा। लैंड रिक्वायरमेंट्स। लैंड टू बी यूज्ड फॉर सीड प्रोडक्शन ऑफ रैप सीड एंड मस्टर्ड शैल बी फ्री ऑफ वॉलंटियर प्लांट्स। द सिलेक्टेड फील्ड शुड बी वेल लेवल्ड एंड द सोइल सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप। आइसोलेशन रिक्वायरमेंट्स। इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब ए मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर एंड 50 मीटर्स फॉर फाउंडेशन सीड क्लास एंड 50 मीटर्स एंड 25 मीटर फॉर सर्टिफाइड सीड क्लास। फॉर सेल्फ इनकम्पेटिबल एंड सेल्फ कम्पेटिबल टाइप रेस्पेक्टली फ्रॉम फील्ड ऑफ अदर वेराइटीज of the same species and fields of the same variety not conforming to varietal purity requirements of certification. Iruka sativa, taramira and any of the following species of genus Brassica. Brassica. Botanical name, common name. Brassica juicea, Indian mustard, rye, Bangla sarsan. Brassica juicea, कुनेली फोलिया वेजिटेबल मस्टर्ड राई, ब्रेसिका जुन्सिया वार रोगसा पहाड़ी राई, ब्रेसिका कंपेटिस वार डाइकोटोमा वार सरसन काली सरसन, ब्रेसिका कंपेटिस वार सरसन येलो सरसन पीली सरसन, ब्रेसिका कंपेटिस वार टोरिया राई। ब्रेसिका टूर्ने 40 पंजाबी राई, ब्रेसिका नाइग्रा ट्री मस्टर्ड, ब्रेसिका अल्बा वाइट मस्टर्ड, ब्रेसिका पिकेंसिस चाइनीज कैबेज हीडिंग, ब्रेसिका चाइनेसिस चाइनीज कैबेज नॉन हीडिंग, ब्रेसिका रापा टर्निप। ब्रीफ कल्चर प्रैक्टिसेस। फर्स्ट, preparation of land, usually one ploughing 3 to 4 harrowings followed by leveling are sufficient to prepare land to desired tilth. Toria in particular requires of fairly moist seed bed for good germination. Second, time of sowing at the following times are recommended for best results. Region, Hisar, Toria, 4th week of September, सरसन फर्स्ट वीक फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर, राई एंड ऑफ सेप्टेम्बर, पंजाब सेकेंड वीक ऑफ सेप्टेम्बर, सरसन सेप्टेम्बर एंड वीक फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, उत्तर प्रदेश सेकेंड वीक ऑफ सेप्टेम्बर मिड अक्टूबर टू मिड नवंबर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, राई। Three, source of seed. Obtain nucleus or weeder or foundation seed from source approved by a seed certification agency. For method of sowing, seed crops should be sown in rows. The depth of seeding seed note should not be more than 3 cm. 5 spacing row to row 30 cm, plant to plant 7.5 to 10 cm. Six, seed rate. Add to
5 to 8 kg पर हेक्टेयर, सॉरी 7 फर्टिलाइजेशन रिकमेंडेड डज डोजेस ऑफ नाइट्रोजनस डिफरेंट फर्टिलाइजर्स इन डिफरेंट स्टेज आर फॉलो, स्टेट उत्तर प्रदेश, तोरिया 90 kg, सरसों 50 to 60 kg, राई 80 kg, पंजाब 35 kg नाइट्रोजन, असम सरसों 40 to 60 kg, हरियाणा तोरिया 35 kg, सरसों 90 kg, 60 kg प्लस 40 kg एज स्प्रे। इन एडिशन टू नाइट्रोजन अप्लाई 40 kg ईच ऑफ फॉस्फोरस एंड पोटास पर हेक्टेयर, दिस क्रॉप गिव इज एक्सीलेंट रेस्पॉन्स टू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, देयर फॉर न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट्स मे बी पार्टिकुलरली आर हुली मिट विद ऑर्गेनिक मैनर्स मेन्यूअर्स ऑर्गेनिक मेन्यूअर्स ऑफ इफ यूज्ड शुड बी वेल मिक्सड इन द फील्ड एट द टाइम ऑफ लैंड प्रिपरेशन, इफ फर्टिलाइजर आर यूज ऑल द फॉस्फेट एंड 2/3 ऑफ द नाइट्रोजन शुड बी अप्लाइड एज वेसल डोज, द रिमाइनिंग नाइट्रोजन शुड बी अप्लाइड एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट इरीगेशन, अप्लाई 25 kg जिंक सल्फेट पर हेक्टेयर ऑफ डिफिशियंट सॉइल्स एट इरीगेशन 1-2 प्री सोविंग इरीगेशन एंड 1-2 एट फ्लावरिंग एंड पॉड फॉर्मेशन इज रिकमेंडेड फॉर ऑब्टेनिंग हायर सीड यील्ड्स। नाइन इंटरकल्चर वन हैंड वीडिंग व्हेन द प्लांट्स आर 15 to 20 cm हाइट इज रिक्वायर्ड। 10 प्लांट प्रोटेक्शन फॉर कंट्रोल ऑफ मस्टर्ड सफ्लाई डस्ट 5% बीएससी डस्ट 25 kg पर हेक्टेयर, फॉर एफिड स्प्रे 1 L मेटासिस्टॉक 25 EC और 250 to 300 ml डाइमेक्रोन 100 EC डिजोल्व इन 1000 L ऑफ वाटर पर हेक्टेयर, एंड फॉर कंट्रोल ऑफ कट वॉर्म्स ड्रिल इन टू द सोइल 5% डस्ट ऑफ एल्ड्रीन और हेप्टाक्लोर एट 25 kg पर हेक्टेयर, फॉर कंट्रोल ऑफ अल्टरनेरिया ब्लाइट स्प्रेड 2 kg डाइथन Z78 और डाइथन M45 डिजोल्व इन 100 L ऑफ वाटर पर हेक्टेयर। 11 सप्लीमेंट्री पोलिनेशन प्लेसिंग ऑफ बी हेवीज ड्यूरिंग द फ्लावरिंग सीजन बूस्ट द सीड यील्ड ऑफ क्रॉस पोलिनेटेड स्पेसीज। रॉगिंग ऑल द टाइप ऑफ प्लांट्स इजिली डिस्टिंग्विशेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट करेक्टरिस्टिक्स and the other species plant must be removed before flowering to ensure pure seed production. Remaining of type of any distinguishable on the basis of silica characteristics should be removed before maturity. 87 Argemone mexicana is the most objectionable weed in the rape and mustard seed production. This weed must be removed altogether as often as required. Harvesting and threshing. It is important to harvest seed crops soon after plants start turning a light yellow. At this stage, most of the silica are light yellow and the seed inside the silica light brown. After harvesting, the crops should be left in the field in small bundles for 2 or 3 days to dry in the field, or the bundles may be brought to threshing floor and completely dried there. After plants have been well dried, threshing can be done by blocks, tractor or felled with sticks. Before store dry seed to reduce moisture content to 8%. Seed yield with good management, crop yield up to 15 to 20 quintal per hectare may be obtained. Thanks.